नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। आइए लिए चलते हैं आपको सीधे एयरटेल पेमेंट बैंक एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मैं एयरटेल पेमेंट बैंक से आरबीएम करण सिंह। ठीक है सर, एयरटेल पेमेंट बैंक एक डिजिटल बैंकिंग है। ठीक है, जो भारत की पहली डिजिटल बैंक है, जो एक सक्सेसफुल है, और उसके अंदर हमारा एक इंश्योरेंस कवर भी है। जो रिटेलर हम बीसी पॉइंट देते हैं, उसके अंदर आपके एक एक्सीडेंटल कम पर्सनल इंश्योरेंस है, जो सालाना 699 रुपये उसका प्रीमियम रहता है। उसके अंदर आपको 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल पे मिलते हैं, 10 लाख रुपए स्थायी विकलांगता पे, ठीक है, और अगर मेजर फ्रैक्चर या कुछ हुआ है तो 5 लाख रुपए मिलते हैं 100 सप्ताह तक, 5,000 रुपये पर सप्ताह। ठीक है, और नॉर्मल फ्रैक्चर वगैरह है, जल गए या कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया या आपके कोई सांप बिच्छू काट गया तो भी 1 लाख रुपये। ठीक है, इसमें सालाना 699 रुपये चार्ज रहता है। एक ही किस्त भरनी है आपको, आपको 10 लाख का कवर मिलता है। राजस्थान में देखें या फिर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे देखें तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिसके अंदर फर्स्ट प्रीमियम हो या मंथली प्रीमियम हो या ईयरली प्रीमियम हो, तो उसमें इंश्योरेंस कवर करने की भी अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, अपने अपने क्राइटेरिया है। जैसे कि अपने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिक्लेम कंपनी है, उसके अंदर है कि आप फर्स्ट साल जब अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आपके ऑपरेशंस के लिए कवर नहीं होते हैं, आपकी पुरानी बीमारियां कवर नहीं होती हैं, आपको फर्स्ट एक्सीडेंट कवर नहीं होता है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अगर इंश्योरेंस कोई करवाता है तो क्या ये सारी फैसिलिटीज इसमें हैं? जैसे कि अभी कुछ महीने पहले की बात है कि एक कैंसर पेशेंट था जिसका ऑपरेशन भी हो चुका था, साल भर हो चुका था, अगर वो व्यक्ति इंश्योरेंस करवाना चाहे तो क्या उसका पुराना कैंसर ऑपरेशन उसमें कवर होगा या नहीं होगा? नहीं सर, ये एक एक्सीडेंटल कम पर्सनल कवर है। ठीक है, वो जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक है, वो भी हमारे एयरटेल से है, वो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का है। एज जो स्टार प्लस का जो है पैकेज सेम वैसा ही है, बट हमारा प्रीमियम कम है उसके बनिस्पत। ठीक है, पैकेज वही है, वो हेल्थ इंश्योरेंस में आता है, उसमें वो सारी शर्तें लागू होती है। जैसे फर्स्ट आपको पहले फर्स्ट साल में आपके कोई कवर नहीं होगा। ठीक है, 24 महीने के बाद में आपको हड्डियों से रिलेटेड जो भी तकलीफ होगी वो उसमें आएगी, और आफ्टर 3 ईयर आपको सब कुछ कवर आता है, जो कि उसके अंदर नॉमिनेट बीमारी होती है वो सब उसमें आती है, प्लस जो आपकी आज की तारीख में प्रजेंट में जो बीमारी चल रही है वो आफ्टर 36 मंथ आप उसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ये जो इंश्योरेंस है 699 वाला, ये ओनली एक्सीडेंटल कम पर्सनल इंश्योरेंस है। जैसे पहले था एक एक्सीडेंटल पे ही अपने को मिलता था, बट ये है उससे आगे, यानी आपको एक्सीडेंट के बाद का भी जो है, जैसे फ्रैक्चर हो गया, मेजर ये हो गया, उसमें भी आपको ये हेल्प करता है। ठीक है सर, तो सर मैं आपसे ये एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि जैसे अपने यहाँ पर बैंकों में भी 12 रुपये वाला और एक 330 वाला बीमा होता है, 330 वाला जीवन ज्योति बीमा है और 12 रुपये वाला दुर्घटना सुरक्षा बीमा है, जिसकी प्रीमियम ईयरली अभी बढ़ा दी गई है, पहले 12 रुपये थी, अभी उसको बढ़ा के 20 रुपया कर दिया है, मगर उसका जो एक्सीडेंटल कवर है 2 लाख का है, और जीवन ज्योति बीमा जिसकी पहले प्रीमियम थी 330 रुपया, अभी वो 446 रुपये कर दी गई है, तो उसका जो भी डेथ क्लेम कवर है वो भी 2 लाख का है, तो ये क्राइटेरिया मिसमैच क्यों रहता है? सर वो कंपनी का है एजेंडा, वो मैं क्या बता सकता हूँ, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट ये है कि इसमें हमारा आपको 100% उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हमारा जो है वो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, जिसमें से एयरटेल के ऑल ओवर इंडिया में 10,000 हॉस्पिटल कैशलेस है। ठीक है, आपको वहाँ कुछ क्लेम करने की जरूरत नहीं है, जो हॉस्पिटल हमारे अंडर में है वहाँ पर आपको सिर्फ अपना कार्ड दिखाना, पॉलिसी नंबर दिखाना, बाकी का सारा काम सारा हॉस्पिटल पे हो जाता है। मान लो सर कि एयरटेल पेमेंट बैंक से किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली और पॉलिसी ली और लेने के अगले ही दिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली इंश्योरेंस के लिए क्लेम कहाँ करेगी? नहीं, इसके अंदर 30 दिन तो आपको उस पॉलिसी मैच्योर्ड होने में लगता है। जैसे आज आपने पॉलिसी ली है, आफ्टर 30 डेज वो मैच्योर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद में आप क्लेम कर सकते हैं, आपको 30 दिन का पीरियड आपको मतलब रुकना पड़ता है पॉलिसी लेने के, 30 दिन के बाद में आप क्लेम कर सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही, मगर मौत किसी को बोल के तो आती नहीं है। हाँ तो सर वो इसके लिए उसको पहले सोचना चाहिए,
पहले से उसको करके रखना चाहिए एंड टाइम पे। यानी आप ये तो ये वाली बात कर रहे हो, जैसे आज बीमार हुए और अपने को हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं कि यार एक प्रीमियम दे के मैं 5 लाख का बेनिफिट ले लूं, तो वो नहीं मिलेगा। वो बात भी आपकी बात, चलो मान लो कि 30 दिन का आपने रखे हैं और 30 दिन बाद या मान लो 1 साल बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली इंश्योरेंस को क्लेम कैसे करेगी, उसका सोर्स ऑफ क्लेम क्या है? सर एक तो हमारा देखो सबसे पहली बात तो जैसे सागवाड़ा में MM पाटीदार जील हॉस्पिटल कैशलेस है, दोनों कैशलेस है, ठीक है। वहाँ आपको कोई कुछ भी आपको डॉक्यूमेंटली कुछ भी नहीं करना है, आपको एडमिट होना है 24 घंटे के बाद में, वो सारी प्रोसेस आपको सिर्फ वहाँ पे आपका पॉलिसी नंबर देना है या जो भी आपका कार्ड होगा उस पर पॉलिसी नंबर होता है वो आपको दिखाना है, तो बाकी आपको वहाँ क्लेम नहीं करना है। अदर जो है वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो आपको कलेक्ट तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा उसके लिए आपको इसका जैसे हमारा केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस का ऑलरेडी प्ले स्टोर में ऐप है, ठीक है, आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे, उसमें पॉलिसी नंबर डालोगे, उसमें सारी हिस्ट्री आ जाएगी, सारे फॉर्म आ जाएंगे, सारे पॉलिसी बॉन्ड आ जाएंगे, सब कुछ उसमें आ जाएगा, क्लेम फॉर्म वगैरह सब कुछ आ जाएगा। आप मेरी बात नहीं समझे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो क्षेत्र है वो एक मिडिल क्लास और एक बैकवर्ड एरिया है, मतलब उसको अपने कहते हैं TSP जोन जिसे अपने कहते हैं, ट्राइबल एरिया कहते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास एक एंड्रॉइड फोन हो, कोई फोन सादे भी फोन चला रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि घर जिस व्यक्ति, जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं किसी और व्यक्ति की बात नहीं करता, मैं मेरी बात करता हूँ कि मेरे घर में मैं और मेरे छोटे भाई साहब के अलावा एंड्रॉइड को यूज करता नहीं है और मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरी वाइफ है या मेरी मदर है या मेरा बेटा है, अगर उस चीज को वो क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम करने का क्या प्रोसेस है? डॉक्यूमेंट्स तो जो है वो तो है ही है। अच्छा उसमें देखिए सर ऐसा होता है जैसे कि कोई भी आप क्लेम कर रहे हो तो उसका सबसे पहला तो जैसे एक्सीडेंटल हुआ है तो आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको FIR करनी पड़ेगी, ठीक है, पोस्टमार्टम। अच्छा दूसरा आप तुरंत हमारे को आप इन्फॉर्म करो, मैं वही कह रहा हूँ कि आप तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचाने, क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं भाई जो एंड्रॉइड यूज कर रहा है, जो इस चीज को समझ रहा है, जो उसको सुन रहा है, वो इस चीज को बेहतर तरीके से जान रहा है कि नहीं मुझे इस व्यक्ति से मिलना है। अगर आप उस व्यक्ति से मिल नहीं पा रहे हो तो ऐसा कोई सेंटर, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके इस एरिया में अपॉइंटेड हो या फिर वो इस चीज में वर्क कर रहा हो, तो वो सारी चीजें हो तो वो व्यक्ति वहां पर जाके बता। मैं ये चीज पूछ रहा हूँ कि जैसे कि मान लो कि अभी SBI या LIC का अपने वर्क ले रहे हैं तो LIC का ऑफिस है, LIC एजेंट मर गया, मगर LIC का ऑफिस है, पॉलिसी लेके वहां जाएंगे तो कम से कम उसकी फैमिली को ये ट्रस्टेबल है कि नहीं वहां से मेरे पैसा मुझे मिल जाएगा। अभी ऐसा अपने यहाँ पर इस चीज को किस तरीके से अपने कवर अप करें? देखिए हमारे एयरटेल से यहाँ पे ZTM, ZM, RBM सब CEO वगैरह सब अपॉइंट है, अलग अलग जिले वाइज, अलग अलग सेक्टर वाइज, ठीक है। आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे को तो देनी है, ठीक है, उसकी आगे की जो कार्रवाई होगी हम आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है वो दे देंगे, ठीक है, बट उस समय आपको इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा और उसके रिलेटेड जो जो कहे कि आपको अभी क्या करना है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले की बात है, यहाँ पे अपने दरियाबाद प्रतापपुर में एक लड़के ने जस्ट 100 रुपये का मतलब फर्स्ट डिपॉजिट वाला सेविंग अकाउंट खुलवाया था एयरटेल में। उसमें क्या होता है, हमारा 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री है, जो सेविंग अकाउंट खुलाता है और 100 रुपये फर्स्ट डिपॉजिट करता है, उसको 5 से 7 दिन तक अंदर रखना पड़ता है, फिर भली वो निकाल दे 0 बैलेंस अकाउंट है, बट उसमें क्या होता है कि उसको 1 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलता है। उस लड़के की डेथ हो गई, अभी जस्ट हमने उसको उसके जो नॉमिनी था उसका भाई उसको ये वो 1 लाख रुपये अभी भी जस्ट 15-20 दिन या 10-15 दिन हुए हैं, हमने उसको ऑलरेडी पे किया है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने उसको 1 लाख रुपये पे किया। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिली थी? उसकी वहीं पे जो RBM वगैरह है, ZTM वगैरह है, वो उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई हमारा ये था और ये बात हुई है, तो हम फिर आगे जो कार्रवाई होती है उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, भाई अब आप ये करो, ये चीज़ें सारी करो, आपको पोस्टमार्टम करवाना है, आपको FIR करनी है, ये वो जो भी उसको नॉलेज में नहीं है तो हम उसको बता देते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे आपको, उन सब का आप कलेक्ट कर लो, ठीक है, उसके बाद में जो प्रोसेस होता है वो हम कर लेते हैं, सर्विस हम देते हैं, बिल्कुल बकायदा हम वहाँ डोर पर जाके सर्विस देते हैं। सर इसके अंदर जैसे कि जो व्यक्ति एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है या एयरटेल पेमेंट बैंक यूज कर रहा है
केवल वही व्यक्ति इंश्योरेंस करवा सकता है या फिर कोई और व्यक्ति भी करवा सकता है? नहीं नहीं, कोई भी करवा सकता है, चाहे कीपैड फोन करे, कीपैड फोन करे या एंड्रॉइड फोन यूज करे, उससे कोई नहीं है, ठीक है ना, कोई भी करवा सकता है। अच्छा रही बात प्रीमियम की, तो प्रीमियम उसके पास मैसेज आएगा और जो जिससे उसने करवाया है अभी वही आपके पास अगले साल आ जाएगा, या जो भी रिटेलर है, हमारे हर दूसरी दुकान पे रिटेलर होता है एयरटेल पेमेंट बैंक का, आप उसके पास जाओगे तो वो रिन्यू करके दे देगा। जो बीसी पॉइंट होता है एज ए रिटेलर, हमारा हर दूसरी दुकान पे रिटेलर है, हर दूसरी तीसरी दुकान पे आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर मिलेगा, हर जगह मिलेगा, गांव में भी मिलेगा, आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो, वो हमारे एरिया के आरबीएम या जेटीएम जो भी होगा उसको इन्फॉर्म कर देगा और उसके बाद जो कार्रवाई करनी है वो हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि आपने मेरे को बताया कि कोई भी व्यक्ति इसमें इंश्योरेंस का लाभ ले सकता है, तो मैं ये इसमें ये कहूंगा आपको कि अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस का लाभ ले रहा है तो उसकी प्रीमियम खाते से कटेगी या फिर उसको संबंधित जो आपने बताया कि जहाँ रिटेलर है उसी के पास जाके कटवानी पड़ेगी? बस कटवानी पड़ेगी, डायरेक्ट ऑटो डेबिट नहीं होगा, ऑटो डेबिट नहीं होगा। वो ऑटो डेबिट नहीं होने का एक्चुअल कोई रीजन या फिर सिस्टम में भी ऐसे सेट कर रखा है? नहीं, सिस्टम में भी ऐसा है। एक्चुअली क्या, अगला आदमी अगर देखो, इसमें हम फ्री लुक पीरियड देते हैं, जैसे आज आपने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, मान लिया कि आपने केयर हेल्थ इंश्योरेंस का आपने हेल्थ कवर लिया 5 लाख का, ठीक है, अब आपने इंश्योरेंस करवा लिया, फिर आपने देखा, पूछा, इधर उधर आपने नॉलेज लिया और आपको लगा, आपको हम 15 दिन का फ्री लुक पीरियड देते हैं, ठीक है, 15 दिन तक अगर आप उसको कैंसिल भी करवाना चाहो तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हो, वो पैसा पूरा का पूरा आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो कि आपके पास पहले चीज तो एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर इंश्योरेंस के कितने टाइप है? एयरटेल पेमेंट बैंक में देखिए सर, हमारे पास में एक तो वीबीडी है, ठीक है, वेक्टर डिजिट इंश्योरेंस है जिसमें 129 रुपये सालाना है, ठीक है, उसमें 10,000 का कवर मिलता है, वो उसमें आता है जैसे नॉर्मल मलेरिया, चिकनगुनिया, काला ज्वार और ये वक्त डेंगू जैसी 6 बीमारियां कवर होती है, उससे रिलेटेड 10,000 का कवर मिलता है। वही 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 30 दिन, 30 दिन तो सबका फ्री कवर तुरंत मिलता है। या मान लो कि आज उसने 129 रुपये जमा किया, महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने बाद उसकी या उसके बच्चे की, वो एक महीने के बाद, महीने के बाद वो एक्टिव, फिर वो जो भी उसका जो भी एक्सपेंसेज हुआ कहीं भी, वो सारे बिल, ठीक है, डॉक्टर की रसीद वगैरह वो सब पंच कर दे, फाइल कर ले, वो हमारे को दे दे, हम क्लेम पास करवा देंगे उसका 10,000, ये नॉर्मल है। उसके अलावा 25,000 का जो सैम मिसी में कवर है उसमें 325 रुपये सालाना, उसमें 25,000 तक कवर होगा सम इंश्योर्ड, ठीक है। उसके अलावा एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ठीक है, 50,000 का, वो 550 रुपये का, ठीक है। उसके अलावा केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, वो 50,000 से लेके 15, 20, 25 जितना आप लग करना चाहो सम इंश्योर्ड उसके हिसाब से। गुरु आपकी जानकारी बहुत बहुत बढ़िया है और मज़ा आया आपके साथ में इस चीज़ के बारे में बात करके। हमें बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।